नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ रूही ग्रोवर। सब तो पहला आज दियां हेडलाइंस। ब्राजील, रूस, भारत, चीन ते दक्षिणी अफ्रीका वर्गे पांच देशों के संगठन ब्रिक्स की अगली बैठक वर्चुअल होगी। इस बार बैठक की प्रधानगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे। ये मीटिंग जून के अंत में हो सकती है। खबर मुताबिक ऑनलाइन मीटिंग कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग में शामिल होने चीन नहीं जाएंगे। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा मामले विच पांच दोषियों से सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। पुलिस ने हिंसा के दोषी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली नू गिरफ्तार कर लिया है। उसते सोनू शेख नू हथियार सप्लाई करने का दोष है। इसके नाल ही सोनू शेख नू पुलिस मुलाजमान से गोली चलाने के दोष विच फड़िया सी। दिल्ली के जहांगीरपुरी विच हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के मामले विच दिल्ली पुलिस की जांच विच स्थानक इनपुट तो कई जानकारियां मिली हैं ते इस विच वीडियो फुटेज नू मिला के दोषियों नू फड़िया गया है। पुलवामा के राजपुरा विच रेलवे सुरक्षा हेठ तैनात झज्जर जिले के पिंड पंबेवा वासी जवान सुरेंद्र पुत्र बलवीर सिंह अतवादी हमले में शहीद हो गए। उन्हां दी लाश मंगलवार देर रात पिंड पंबेवा पहुंची। उन्हां दी देह दा अज बुधवार यानी कि पूरे सरकारी सन्मानां नाल संस्कार किया जाएगा। पंजाब सरकार ने सहकारी बैंकां दे कर्जे की वसूली लई सरकारी अदारियां नूं धारा 67A अधीन किसानां दी गिरफ्तारी करन लई विभाग दे कर्मचारियां नूं खुल्ली छुट्टी दे दित्ती है। इह गल जारी कीते एक प्रेस बयान विच भारतीय किसान यूनियन राजेवाल दे प्रधान बलवीर सिंह राजेवाल ने कही। उन्हां कहा कि भगवंत मान सरकार दा किसानां लई इह तोहफा है। उन्हां कहा कि उन्हां ने लंबी जद्दोजहद करन तों बाद बरनाला सरकार वेले सहकारी एक्ट दी धारा 67A सस्पेंड करवाई सी। पंजाब दे लुधियाना विच मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा वापरिया। इत्थों दे टिब्बा रोड ते नगर निगम दे कूड़ा डंप यार्ड नेड़े बनी झुग्गी विच अग लगन कारण इको परिवार दे 7 जी झुलस गए। पूर्वी लुधियाना दे सहायक पुलिस कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने दस्सिया कि घटना 19 अप्रैल नूं दोपहर 1:30 बजे के करीब वापरी सी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ते पुलिस दीआं टीमां मौके ते पहुंच गईआं। फायर ब्रिगेड ने तुरंत अग ते काबू पाया ते झोपड़ी विचों 7 लाशां बरामद हुईआं हन। पंजाब विच नवीं बनी आम आदमी पार्टी सरकार ने चोणां तों पहलां फ्री बिजली देण दा वादा कीता सी। बेशक पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों 1 जुलाई तों 600 यूनिट मुफ्त बिजली देण दा ऐलान कर दिता सी, पर किस नूं इह सहूलत मिलेगी ते किस नूं नहीं इस बारे लोकां दे मनां विच कई तरहां भंबल पुसे हन। पर हुण पंजाब दे बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने इस बारे खुल के स्पष्टीकरण दिता है। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू सूबे विच अपनी पार्टी की सरकार दौरान सीनियर आगुआं लई किस तरह चुनौती बन रहे हन एक किस तो लुकिया नहीं है। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नाल उन्हां दा 36 दा आंकड़ा जग जाहर है। हुण पंजाब विच कांग्रेस की सरकार नहीं है, पर सिद्धू दा रवैया हाले भी कायम है। कांग्रेस ने हुण पंजाब विच पार्टी की कमान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नूं सौंप दित्ती है, पर सियासी माहिरां मुताबक सिद्धू उन्हां दे सामने चुनौती बन के खड़े हन। पंजाब ते हरियाणा विचाले SYL नहर दा मुद्दा एक बार फिर पक गया है। दोवां सूबियां दे आगू इस बारे एक दूजे नूं घेर रहे हन। इस दौरान आम आदमी पार्टी दे MP सुशील गुप्ता वल्लों हरियाणा नूं पानी लै के देण बारे कीते दावे पिछों मामला होर गरमा गया है। रूस यूक्रेन जंग ते दरामद समस्यावां कारण खदशा प्रगटाया जा रहा है कि इस बार साउणी दे सीजन विच किसानां नूं खाद संकट दा सामना करना पै सकदा है, पर सरकार ने यह स्पष्ट किया कि अजिहा कुछ भी होने वाला नहीं है। सगों इस बार तां लोड़ तों वध 131 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा खाद मिलन दी उम्मीद है। भारत विच कोरोना वायरस की लाग की रफ्तार एक बार फिर तो वधनी शुरू हो गई है। सरकारी आंकड़े अनुसार देश विच पिछले 24 घंटे विच कोरोना संक्रमण के 2067 नवे मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसी साड़ा हुण तक दा पंजाबी खबरों का बुलेटिन। हुण मैनूं दिओ इजाजत। सत श्री अकाल।